आज हम बना रहे हैं एक साउथ इंडियन चटनी रेसिपी, जिसे कि आप खा सकते हैं इडली के साथ, डोसे के साथ, या फिर उत्तप्पा हो, या फिर कोई भी प्रकार का चीला हो, हर एक नाश्ते के साथ आप इसे खा सकते हैं। आपके हर एक नाश्ते का स्वाद ये दुगना कर देगी। तो चलिए इसे बनाते हैं। हे फ्रेंड, मैं रूपाली और आर क्राउन रेसिपीज में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले ये चटनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ली है 4 लाल मिर्च, और फिर हम इसमें मिलाएंगे पानी और इसको लगभग 20 मिनट के लिए ऐसे ही भिगोने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए, ये पानी में डूब नहीं रही है, बड़ी बड़ी मिर्च है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको बीच में से तोड़ के इसमें डालेंगे, जिससे क्या होगा कि ये आसानी से भीग जाएगी। और तब तक हम बाकी की तैयारियाँ कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में लिया है थोड़ा सा ऑयल, और फिर हम इसमें डालेंगे 1 कटा हुआ प्याज। यहाँ पे हम जो चटनी बना रहे हैं इसके लिए जो वो मार्केट में छोटे छोटे प्याज मिलते हैं ना, उसका इस्तेमाल किया जाता है, पर वो मेरे पास अभी ख़त्म हो गए हैं, तो इसलिए यहाँ पे मैंने बड़ा प्याज कट करके मिलाया है चटनी में। और फिर यहाँ पे हम डालेंगे बहुत सारा लहसुन। लहसुन से इसमें बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है, तो ये ज़्यादा मात्रा में मिलाए। और फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा अदरक, और बस अब इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हमें भून लेना है। लगभग 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही भूनेंगे। तो ये देखिए, अब ये तैयार है, तो इसको हम गैस बंद करके थोड़ा ठंडा होने देंगे। अब हमारा लहसुन प्याज अच्छे से ठंडा हो गया है, तो हमने इसको ग्राइंड कर लेना है। तो इसको हम कंटेनर में डाल देंगे, और ये लाल मिर्च जो हमने भिगोने के लिए रखी थी, इसको भी हम उसी जार में मिला देंगे। अगर आपके पास कोई भी प्रकार की लाल मिर्च अवेलेबल नहीं है, तो आप यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लगभग 1 चम्मच तक आप इसमें लाल मिर्च मिला सकते हैं। और फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी इमली। ये जो है मैंने साल भर के लिए घर में स्टोर करके रखी होती है, ये हम इसमें एकदम थोड़ी सी डालेंगे, इससे हमारी चटनी का स्वाद बढ़ जाएगा। और बस अब इन सभी चीज़ों को हम बिना पानी मिलाए थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे पहले। तो यहाँ पे हमने इसमें पानी नहीं मिलाया है, इसको ऐसे ही थोड़ा सा हमने ग्राइंड कर लिया है, और फिर हम इसको निकाल लेंगे। तो ये देखिए, अच्छे से बारीक नहीं हुआ है, फिर से हम इसमें पानी मिलाएंगे। तो यहाँ पे हमने जो मिर्च भिगोने के लिए पानी डाला था ना, वही पानी हमने यहाँ पे इस्तेमाल करना है, वो फेंकना नहीं है। और इसे बस अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम, और इसको फिर से हमने ग्राइंड कर लेना है एकदम बारीक होने तक। तो ये हमारी चटनी एकदम बारीक पीस के तैयार है। ये देखिए कितनी फाइन पेस्ट इसकी बन के तैयार हुई है, और ये टेक्सचर भी देखिए कितना बढ़िया आया है, कितनी स्मूथ ये बन के तैयार है। तो चलिए इसमें लगाते हैं तड़का। तो यहाँ पे मैंने लिया है फिर से थोड़ा सा ऑयल, फिर हम इसमें डालेंगे राई, इसको अच्छे से चटकने देंगे, फिर डालेंगे थोड़ा सा करी पत्ता, और साथ ही स्वाद बढ़ाने के लिए हम इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा हींग, इससे हमारी चटनी में बहुत ही लाजवाब स्वाद आएगा। तो ये ज़रूर से मिलाए, और बस अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। और फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, ताकि हमारी चटनी में बढ़िया रंग आए। और बस ये प्यूरी हम इसमें डाल देंगे, जो हमने एकदम ग्राइंड की है बढ़िया से। देखिए कितना बढ़िया टेक्स्चर है इसका, ये थोड़ी गाढ़ी लग रही है, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी इसमें फिर से मिलाया है। और फिर हम इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक, और बस इसे अच्छे से मिक्स कर देना है, और गैस की फ्लेम लो ही रखें, और इसे लगभग 1 से 2 मिनट के लिए ही पकाना है, उससे ज़्यादा इसको नहीं पकाना है, क्योंकि हमने प्याज लहसुन को पहले ही थोड़ा सा भून लिया था। तो इसको ऐसे ही रखेंगे, ज़्यादा पकाएंगे नहीं। देखिए कितना बढ़िया टेक्स्चर आया है हमारी चटनी का। तो बस अब ये बन के तैयार है, तो गैस को कर देते हैं बंद, और इसको निकाल लेते हैं सर्विंग बाउल में। तो देखा ना कितनी आसान है ये साउथ इंडियन की रेड चटनी रेसिपी। बस इसे बनाइए और खाइए, और आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं लगभग 2-3 दिनों के लिए फ्रिज में। तो आज हमने बनाई ये आसान और स्वादिष्ट चटनी रेसिपी। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को एक बड़ा सा लाइक कर दीजिए, साथ ही कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल आर क्राउन रेसिपीज़। तो फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार ऐसी ही और एक नई और आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए पूरा वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू माई फ्रेंड।